सो वर्ल्ड वाइड वेब एंड हम ऐसे कॉमन बोलते हैं कंबाइंड है ना तो उसमें से जो सेक्शन था वर्ल्ड वाइड वेब का दैट आई हैव इन इन द प्रीवियस वीडियो वीडियो एंड दिस लेट्स टॉक प्रीवियसाउट एस ये दोनों ही एक साथ काम करती है विद अदर कॉम्पोनेंट जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बट वेब का जो मेजर पार्ट है वो वेब प्रोटोकॉल है लाइक एस राइट सो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करते हैं सो ओरिजिनल वेब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तुम्हारी ओरिजिनल का मतलब ये है कि एस टी टी पी एस भी है अभी जो हम बिल्कुल लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि एस टी टी पी इज नॉट सिक्योर एंड इसमें जो डेटा जाता है वो अगेन वैसा ही था जैसे कि टेलनेट में जा रहा था प्लेन टेक्स्ट फिर अगर आज आप देखोगे इंटरनेट पे सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी डिमांड है तो हमें सिक्योर प्रोटोकॉल यूज करनी पड़ती है उसका नाम है एस टी टी पी एस सिक्योर एस टी टी पी राइट तो फिलहाल जानने के लिए इतना ही फर्क है हमारे लिए बट आगे जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत फर्क है ओके सो इज द ओरिजिनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर द वेब जो सपोर्ट करती है कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड सर्वर्स अब कलेक्शन connection, कनेक्शन uh, का जो मतलब है वो थोड़ा सा रुक के बताऊंगा हमने एक स्लाइड पे पर्टिकुलरली उसको एक्सप्लेन किया हो तो उसी के रेफर से बता दूंगा ओके okay. और अंडरलाइन जो ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल वो यूज करेगी कौन सी करती है टीसीपी नॉट यूडीपी बिकॉज ये रिलायबल है थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस होता है

ब्राउज़र क्या करेंगे एस के रिक्वेस्ट करेंगे एंड सर्वर्स क्या करेंगे एस भेजेंगे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स मैसेज भेजेंगे ये क्लाइंट्स की, की तरफ या ब्राउजर की तरफ रिस्पॉन्स भेजेंगे ओके सो एस टी टीपी डिफाइन करती हाउ वेब क्लाइंट रिक्वेस्ट वेब पेजेस तो चलो ये वही बात होगी राइट सो नेक्स्ट इज ट्रीट डॉक्यूमेंट्स फाइल्स मेन्यूज ये सब कुछ होता है तुम्हारा जब वेब पेजेस पे है तो कुछ भी हो ये सब को एक समान डील कर सकती है एवरीथिंग कैन बी यू नो डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन चाहे फोटो वीडियो ऑडियो कुछ भी हो यू आर आई और यू आर एल पे डिपेंड करती है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं

देन एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है ये क्यों बिकॉज इट डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट मान लो ये एक सर्वर है इसके साथ ये अलग अलग क्लाइंट्स ने क्या कर रखे हैं कनेक्शन बना रखे हैं तो मान लो कि इस क्लाइंट ने इस सर्वर के साथ एक कनेक्शन बनाया मान लो कि एक ब्राउजर में जाके एक टैब खोल लिया और इसने इसको एक्सेस किया इसने इसको रिप्लाई कर दिया वो कनेक्शन बंद हो गया कुछ सेकंड के बाद इसने फिर वो एक कनेक्शन के साथ तो अब सर्वर भूल चुका होगा भाई इसने क्या उसको रिप्लाई किया था कौन था ये पूरी दुनिया में से तो इसको नहीं मतलब इसके लिए ये ऐसा ही कनेक्शन आएगा जैसे कि नए सिरे से बिल्कुल कोई डिफरेंट ही होस्ट कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो तो इसको एक अलग ही रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से राइट तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन आपका प्रोटोकॉल तो इससे क्या सहूलियत होती है कि एक सर्वर जो इस हिसाब से लाखों सर्विस दे पाता है अगर वो स्टेट सेव करने लगे कनेक्शन की तो ऐसे हजारों को ही दे पाएगा, वो फिर उसको पर, ऐसे जुड़ा रहना पड़ेगा ना हर एक, के, हर एक से अपनी रखना पड़ेगा तो वो मेमरी फ्री नहीं हो पाएगी फॉर अदर क्लाइंट एंड अदर सेम क्लाइंट में भी ओके सर्वर्स रिक्वेस्टेड फाइल सेंड करते हैं टू क्लाइंट विदाउटोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दम

अब बात आती है कि एच के जो कनेक्शन बनते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स वो कैसे बनते हैं तो देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं द यूज ऑफ सॉकेट्स सॉकेट क्या होता है जब आपको मान लो कि अभी टीसीपी का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं वेब से जुड़ना है फॉर एग्जाम्पल तो मेल से भी जुड़ सकते थे आप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से भी कोई भी एप्लीकेशन हो सकती थी एप्लीकेशन लेयर की बट हम अभी फिलहाल किसको पढ़ रहे हैं वेब को तो वेब के लिए प्रोटोकॉल कौन सी यूज करते हैं हम एच टी टीपी किस पे काम करती है टीसीपी पे टीसीपी के पोर्ट नंबर पे चलो तो हमने बोला ये कंप्यूटर ये सर्वर ठीक है इनके बीच में पहले तो क्या बनना पड़ेगा

प्रोटोकॉल है जिसपे हजारों सर्विसेज चलती हैं टीसीपी पे मेल भी चलता है टीसीपी पे डीएनएस भी चलता है डीएचसीपी भी चलती है पी भी चलता है और टी भी चलता है जिसके हम अभी बात कर रहे हैं तो सेपरेट किससे करते हैं उसका पोर्ट नंबर याद है हम पोर्ट नंबर का यूज ही यही होता है एक टीसीपी के अंदर मल्टीपल प्रोसेसिस या सर्विसेज को सेपरेट कर पाओ चलो जी एस का नंबर हो गया 80. तो एप्लीकेशन लेयर का जो ब्राउजर है आपके पीसी पे वो इस मशीन की आईपी के साथ से इस मशीन की आईपी है 1 .1, चलो ये मान लो सिंपली 10.5, तो ये क्या करेगा टेन डॉट फाइव के साथ क्या लगा के भेजेगा भाई ये सोर्स है और ये इस यहाँ डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है इस पोर्ट नंबर पे, याद है ना हमने इसको क्या बोला था आईपी प्लस टीसीपी और यूडीपी पोर्ट नंबर का जो कनेक्शन है या कॉम्बिनेशन उसको हम बोलते हैं एक सॉकेट

तो इस सॉकेट की जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन लेयर ताकि अपना ये जो मैसेज है फिजिकल लेयर पे भेज पाए फिर नेटवर्क के अंदर तो वही सब बातें आपको अभी दिखेंगी अगली स्लाइड में लिखी हुई ये देखिए तो वंस कनेक्शन इज एस्टेब्लिस्ड द वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर प्रोसेस एक्सेस टीसीपी थ्रू देयर सॉकेट इंटरफेसेस ठीक है चलो जी तो कनेक्शन एस्टेब्लिश की बात किसकी हो रही है जो का था वो -वे वाला। उसके ऊपर एस टी टीपी का, -टी 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 का रिस्पॉन्स आएगा चलो तो नॉर्मल शब्दों में देखो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर रिस्पॉन्स भेजते बस तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके लिए एप्लीकेशंस दो प्रोसेस यूज करती है एक क्लाइंट एक सर्वर तो वो के नहीं जा सकता बिना underlying network को किए तो network पे भेजने के लिए जो इंटरफेस यूज करते हैं इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन होस्ट इसको एपीआई भी बोलते हैं ऑल्सो रेफर टू एज द एपीआई एपीआई होता है प्रोग्रामिंग इंटरफेस सिंपली ऐसा समझो कि जैसे डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन के लिए जो डिवाइस काम आते हैं मान लो कि ये मेरे पास एक 10 का नेटवर्क है एक स्विच है इसके पास पीसी है 10.1, डॉट 10 वन ये आपस में बात कर पाएंगे ऐसा ही एक और नेटवर्क है स्विच के साथ दो पीसी हैं 20.1, 20.2 डॉट तो ये आपस में बात कर पाएंगे 20 वाले 10 वाले आपस में कर पाएंगे बट 10 टू 20 नहीं हो पाएगी बात उसके लिए अपने अपने को एक दूसरा डिवाइस लगाना पड़ेगा राउटर जो अलग अलग नेटवर्क को समझता हूँ स्विचेज सेम नेटवर्क को समझते हैं इसलिए एक ही नेटवर्क पे काम करेंगे राउटर मल्टीपल नेटवर्क को समझेगा और उनके बीच में कम्युनिकेशन करा देगा ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स में होता है एक सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर वन ये अपना काम करेगा सॉफ्टवेयर टू अपनी सर्विस uh, एक्सेस देगा अपने क्लाइंट्स को यूजर्स को बट आपस में नहीं uh, बात कर पाएंगे इनको बात करवानी है यू नीड अ सेपरेट सॉफ्टवेयर पीस तो इसको हम बोलते हैं एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो मेरे पास एप्लीकेशन लेयर एक अलग सॉफ्टवेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर एक अलग सॉफ्टवेयर है इनके बीच में बात कराना है तो फिर वो क्या कहलाता है तुम्हारा एपीआई इंटरफेस तो वो कौन सा है तुम्हारा सॉकेट तो ये ध्यान रखना

बाकी ये क्या है ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे वो तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ एस एंड एस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल तो अब यहाँ पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो। बट स्टिल एक अलग पर्सपेक्टिव से एक अलग एग्जांपल के साथ ये लिखा हुआ है आपको आई गेस अब इतना पढ़ने के बाद वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली ओके गेट रिक्वेस्ट गई फिर अच्छा ये जो लिखा है चलो मैं ये आपको बता देता हूँ फिर भाई, ये मैं सब बता चुका हूं पहले इसकी हेल्प से वो जो पिछली स्लाइड्स में था ना ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स गेट रिक्वेस्ट ये क्या है तो एच के पास ना ये कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं पहले एक बार ये देख लो ये एच आपका जो है नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर डिजाइन एप्लीकेशन प्रोसेस होते हैं ना उनसे मैच करता है वो क्रड फंक्शन कहलाता है भाई कोई आपको डेटा में ना एंट्री डालनी है तो क्रिएट एक कमांड होती है उसको पढ़ना है यू नो एक्सेस करना है रीड होती है कुछ चेंजेस करने अपडेट होते हैं हटाना है डिलीट होती है तो ये डेटाबेस से ही संबंधित किस आ जाती है एस टी टीपी एस टी टी में तुम्हें कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है तो उसके लिए जब तुम डब्ल्यू 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 वो वेबसाइट का नाम लिख के एंटर करते हो ना इसका मतलब समझो कि तुम्हारा जो क्लाइंट है जो ब्राउजर है वो एक गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा है वेब सर्वर की तरफ ओके फिर उधर से तुम्हारा आ, क्या बोलते हैं मान लो तुम फेसबुक का एग्जाम्पल ले लो कि भाई फेसबुक की तुमने एक्सेस किया उधर से रिस्पॉन्स आया होगा और तुम्हें फेसबुक की लॉग स्क्रीन दिख गई तो फिर तुम क्या करोगे तुमसे पूछेगा ना फेसबुक का वो जो एप्लीकेशन है कि भाई अपना यूजर नेम डालो पासवर्ड डाल लो तो तुम क्या कर रहे हो फिर गेट नहीं कर रहे गेट तो तुमने उसके पेज को एक्सेस कर लिया ओके अब तुम पोस्ट कर रहे हो अपना डेटा सबमिटिंग लॉग इन क्रीडेंशियल्स फॉर एग्जाम्पल ठीक है फिर जैसे तुम तो उसको एक्सेस कर पाए अपनी वेबसाइट्स को या अपने जो भी तुम्हारा वो एक पर्टिकुलर वेब पेज होगा है ना कोई जरूरी नहीं ना कि सोशल मीडिया साइट ही हो नॉर्मली भी तो कोई वेबसाइट हो सकती है वहां पे अब तुम्हें कोई चेंजेस करने हैं डालने हैं ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है उसी के अंदर एड करना है वट या हटाना है बिल्कुल तो अलग अलग कमांड्स होती है तो इतनी डिटेल की हमें जरूरत तो नहीं है but the point is http support the basic software level not basic like every software level, command but wo hame nahi dikhti hum designer nahi hai but jo designer hai for those these are the tools you can say चलो तो इसको थोड़ा हम रुक के बात करेंगे फिलहाल हम आ जाते हैं यहाँ पे कि भाई जब हम इस क्लाइंट से सर्वर की तरफ भेज रहे हैं रिक्वेस्ट देखो मैंने बोला था ना बताऊंगा कि रिक्वेस्ट में क्या होता है रिस्पॉन्स में क्या तो ये क्लाइंट ये सर्वर तो इसने बोला गेट मतलब कि इस पेज को खोल के दो मेरे को पेज डॉट एस कोई भी हो सकता है फेसबुक डॉट कॉम या जो उसके आगे कोई भी आपका जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कौन है होस्ट हाँ ये थोड़ा सा ध्यान दो हमने क्या बोला था एक जब भी आपको एक्सेस करना है वेब सर्वर्स एंड ऑल तो चार चीजें होती था ठीक होस्ट मतलब कि सर्वर का नाम ये देखो किस सर्वर को आप एक्सेस कर रहे हो इस सर्वर को चलो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम उस सर्वर पे किसको एक्सेस कर रहे हो मान लो कि तुम्हारा होम पेज है इसको पेज को तो ले आओ तुम सबसे पहले गेट ओके कनेक्शन कैसा है क्लोज क्लोज का मतलब देखो अभी एसटीटीपी हम आगे देखोगे कुछ स्लाइड में मैंने लिखा हुआ है भाई एक तो एसटीटीपी में ना होता है कि आपके परसिस्टेंट कनेक्शन बनते हैं और एक बनते हैं नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन कि भाई ये सेशन बनाया और इसके बाद ना हटा देना वही जो कनेक्शनलेस वाली अप्रोच याद है कि भाई एक टाइम पे मैं एक ही सेशन बनाना चाहता हूं मल्टीपल सेशंस मैं इसी के अंदर नहीं बनाना चाहता इसी कनेक्शन के अंदर ठीक तो मेरा ये सेशन बनाओ और कनेक्शन को क्लोज कर देना यूजर एजेंट मोजिला कि भाई अब जैसे मैंने क्या बताया था आपको याद हो एप्लीकेशन लेयर और वो सब जब मैं पढ़ा रहा था आपको टीसीपी आईपी एंड ऑल तो हमने क्या बोला था कि भाई ऐसे ब्राउजर अलग अलग एक ही क्लाइंट के अंदर मान लो आप क्रोम भी यूज कर रहे हो और मोजिला भी यूज कर रहे हो तो पता होता है कि भाई आपने ये रिक्वेस्ट क्रोम से भेजी थी या मोजिला से क्योंकि इसकी जो कोडिंग है ना एस टी एम वाली कन्वर्जन हो सकता है अलग होगी इसकी अलग होगी तो वो पहचानना आएगा ना तो फॉर दैट ये लिखा होता है भाई यूजर एजेंट कौन सा है तो ये सारी चीजें किसमें जाती हैं तुम्हारी जो रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर जब उधर से रिप्लाई आएगा उसको क्या बोलते हो तुम रिस्पांस तो उसमें एचटीटीपी के कोड आएंगे ये हम कोड वो मैं अभी जो दिखा रहा था ना थोड़ा लिखा था 200 400 तो अभी बताऊंगा थोड़ा सा तो 200 लिखा आया तो ओके okay है मतलब कि भाई करेक्शन बन गया तुम्हारा क्लोज मतलब कि उसने ये सेशन बनाते ही, अपनी से connection तुम्हें वो पेज ओपन करके दे दिया बस। अगर दूसरा page खोलना है, तो, मतलब तो यहाँ तक ये तुम्हारा मेन होम पेज हो गया चार पांच ऑप्शन है ये पेज एक बनाया सेशन दिया क्लोज कर दिया तुमने मान लो गैलरी पे क्लिक किया तो फिर एक नया सेशन बना वो उस तरह से होता है कि आप एक ही कनेक्शन uh, के अंदर मल्टीपल सेशन या एक कनेक्शन में एक ही सेशन

लेट्स uh, से किसी भी डोमेन में आई में नेटवर्क या सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी करियर बनाना हो तो ये बेसिक जो है पता होना चाहिए आई गेस यही सारी बातें देखो यहीं पे लिखी हुई है कनेक्शन क्लोज का क्या मतलब है यूजर एजेंट का क्या मतलब है एंड ऑल ये मैं बता चुका हूँ टू हंड्रेड ओके अगर स्टेटस कोड उधर से लिखा आया रिस्पॉन्स में तो इसका मतलब कि भाई जो आपका गेट या पोस्ट जो भी कमांड आपने दी थी फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर वो सक्सेसफुल है टू जीरो वन क्रिएटेड अगर आपने भाई देखो सिर्फ गेट रिक्वेस्ट करी थी जैसे मेरे को एक पेज ही चाहिए था तो फिर मेरे को उसका रिस्पॉन्स आ गया सिंपल क्रिएटेड मतलब कि अगर आप कुछ वहां पे वो करवाना चाह रहे थे पोस्ट की कमांड से है ना चेंजेस करवाना चाह रहे थे जैसे ये मैं कुछ चेंज करवाना चाहता था अपनी वेबसाइट पे तो वो चेंज हो जाएगा तुम्हारा क्रिएट टू जीरो वन लिखा आएगा बैड रिक्वेस्ट ये तुम्हारा फोर जीरो फोर फोर जीरो वन फोर जीरो जीरो फोर वाले है ना जो ये बैड तो आपको एक तरह से इंडिकेशन है कि कोई गड़बड़ है कुछ दिक्कत है 400 है तो वो दिक्कत है क्लाइंट की साइड से ठीक है 401 भी है 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 जो तुम्हारा वो क्या है कि है. कि क्लाइंट नहीं या तो उस साइट का परमिशन ही नहीं है उसके पास मान लो एक साइट है और उसको एक्सेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर यूजर ही अलाउड है तो दिस यूजर इज नॉट वन ऑफ द तो ये क्लाइंट की साइड के है. जो तुम्हारे फोर जीरो थ्री है वो फिर किस क्या किसने फोर जीरो थ्री और फोर जीरो फोर क्या है सर्वर की साइड के हैं फोर जीरो थ्री एर आता है तो मतलब कि सर्वर पे जो क्रेडेंशियल आपने डाल ले, वो रिफ्यूज कर दिए गए सर्वर की तरफ से तो या तो आपके वो गलत है या फिर सर्वर पे चेंज कर दिए गए हैं 404 तो आप जो एक्सेस करना चाहते हो जो भी डेटा जो भी पेज जो भी वेबसाइट वो एग्जिस्ट नहीं करती राइट right? तो ये कॉमन मिलता है आपको 404 जब भी कोई वेबसाइट नहीं चलती है 500 इंटरनल सर्वर एरर है तो ये सर्वर की साइड का एरर है कि जहां पे सर्वर में कोई दिक्कत आ गई भाई कंजेशन हो गया है है मान लो बहुत सारे यूजर लाख यूजर्स को ये सर्विस दे सकता था और डेढ़ लाख ट्राई कर रहे हैं एक्सेस करने का सो इट विल बी लाइक दैट दैट कीप्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम बींग फुलफिल्ड तो नेटवर्क डिले का इशू हो सकता है बैंडविड्थ सफिशिएंट नहीं है स्टोरेज सफिशिएंट नहीं है मान लो अपलोड करना चाह रहे हैं लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि स्टोरेज नहीं है देन ये जो परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन मैंने आपको बताए थे तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं जो करंट आपका एस का वर्जन है वो बाय डिफॉल्ट परसिस्टेंट को अलाउ करता है बट आप उसको चेंज करके नॉन परसिस्टेंट भी हो पर नॉन परसिस्टेंट वही देखो जी की ईच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड ओवर अ सेपरेट कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था एक कनेक्शन एक सेशन राइट परसिस्टेंट में ऑल रिक्वेस्ट सेंड ओवर द सेम कनेक्शन तो इससे तुम्हारा क्या होता है ना सर्वर के रिसोर्सेज सेव होते हैं ओके okay? ये लिखा है यहाँ पे सारा ड्रॉबैक क्या है तुम्हारा अगर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन यूज करते हो तो हाई ओवरहेड ऑन द सर्वर बार 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 सर्वर को मतलब कि एक्टिव होना पड़ेगा उसकी मेमोरी, उसका सीपीयू सब यूज करना पड़ेगा right. Then, ये पढ़ लेना आपके okay.

उसमें क्या होगा तुम्हारा जो एक्चुअल सर्वर है उससे पहले एक और सर्वर पड़ा रहेगा ठीक मान लो ये सर्वर मेन सर्वर हो गया ये तुम्हारा प्रॉक्सी सर्वर होगा ये मान लो कुछ क्लाइंट्स जो है तो क्लाइंट्स क्या करते हैं पहले जाते हैं प्रॉक्सी पे ओके और फिर प्रॉक्सी सर्वर देखता है कि ये जो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्या इसकी रिक्वेस्ट मेरे पास अपनी मेमोरी में पड़ी है इसके सेशन पहले सेव है

प्रोक्सी सर्वर सेटिंग में तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दिखेगा तो योर डिवाइस शुड बी कन्फिगर्ड फॉर सर्वर तो ये सब ऑफ है पे प्रोक्सी सर्वर सो HTTP टी HTTPS, पी एंड एस टी टीपी बेसिक डिफरेंस वी हैव क्लियर बट द मेन पार्ट इट विल नॉट बी डिसकस्ड under दिस कोर्स तो वो आप जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी और वो सब के कोर्स करते हैं उसके अंदर फिर आपको एस टी टी पी एस के बारे में काफी सारी चीजें बताई जाती हैं या फिर जब आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ जाते हो तब आप ये चीजें सीखते हो बट फ्रॉम नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव हम इतना ही जानना सफिशियंट फॉर नाउ कि एक आपका अनसिक्योर वर्जन है ओवर द वेब एंड एक सिक्योर इनक्रिप्टेड वर्जन है ओवर द वेब सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इनफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज इन वन वे और अदर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो प्रोटोकॉल we'll तो फिर अलग अलग होंगी दो तीन आई एस एक सेंडिंग दो रिसीविंग सो विल टॉक अबाउट के